नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। यह हिस्ट्री जीके क्वेश्चन सीरीज की दूसरी वीडियो है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे, उसी तरीके से इस वीडियो में भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आप आखिर में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन पहले आते थे और कितने आपने नए सीखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यदि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। तो आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी और डी, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है ए, बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 में, ठीक है दोस्तों। और ये हुई थी 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो आपको इसके भी चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया और तुर्की। तो मोहम्मद गोरी था वो था अफगानिस्तान का शासक, तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे देखिए दोस्तों, मस्तानी किस शासक की परियेसी थी? बाजीराव पेशवा की थी, नाना साहब की थी, या फिर साहू महाराज की, या फिर शेरशाह सूरी की? तो इसका सही आंसर है बाजीराव पेशवा की मस्तानी परियेसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, या फिर चंगेज खान ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 15वां क्वेश्चन है वो ये है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी सूरत। तो इसका सही आंसर है डी सूरत, यानी कि मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों जो पहली सहायक संधि थी वो थी निजाम संधि, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कर्नाटक संगीत का पिता महा किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पिता महा पुरंदर दास को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त के काल में, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के, या फिर हर्षवर्धन के, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में? तो इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें सभी को याद जरूर रखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, आपको मैं को इनमें से कितने क्वेश्चन पहले आते थे आप कमेंट करके बताएं। आप ये मान लीजिए कि ये 10 नंबर के एक टेस्ट था, आपको इसमें कितने नंबर आए हैं आप बताएं, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का था, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 10 में से आपने कितने नंबर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने कमेंट करके बताना है। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आपने जीके गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।